हाय फ्रेंड्स, ऑलवेज लाइक जोन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। इससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज मैं आपको सूट का गला बनाना सिखाऊंगी, जो कि इस तरह से है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इनमें कलर फिल करेंगे। मैं ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ। आपको जो कलर पसंद आए आप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कलर हम फिल कर लेंगे। पतले ब्रश का यूज करेंगे यहाँ पे हम। इस तरह से हम पत्ता बनाएंगे। इसमें जितने भी लिप्स हैं मैंने सब इसी तरह से बनाए हैं। यहाँ मैं हाफ वाइट और हाफ ब्राउन लूंगी इस तरह से। इस तरह से हमें करना है, आप देख सकते हैं। हाफ वाइट और हाफ ब्राउन आप देख सकते हैं मैंने ले रखा है इस तरह से। ब्रश पे ध्यान देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम इस तरह से हमारा फ्लावर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं अभी हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे।
देख सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने बहुत इजी फ्लावर बनाया है, आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से इस तरह से। आपको यदि कोई दूसरा कलर पसंद आ रहा हो तो आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। और यदि आपसे दोनों फ्लावर एक साथ नहीं बन रहे हैं तो आप अलग अलग दोनों कलर यदि साथ में नहीं लग रहे हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार ये ब्राउन लिया और यहाँ ब्राउन लगा दिया, ओके। उसके बाद मैं वाइट लूँगी, लेकिन बार बार ब्रश को क्लीन करना पड़ेगा इस तरह से। आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दोनों कलर साथ में लें, ब्राउन और एक तरफ व्हाइट। देख सकते हैं ये लास्ट बचा हुआ है। इस तरह से हम फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हाफ जगह है इसलिए हम हाफ फ्लावर बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपकी सूट बनी हुई है पहले से तो आप उसमें इस तरह से पेंटिंग करेंगे और फ्रेम भी ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका गला बना हुआ होगा तो आप इसी तरह से फ्रेम लगाएंगे ताकि आपको बनाने में ईजी हो। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा गला रेडी हो चुका है, आपको पसंद आएगा। ये आपके गले का डिजाइन रेडी है। अभी मैं आपको ये सूट के नीचे कैसे डिजाइन बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फ्लावर तो मैंने आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं आपको नेक को ड्रॉ करना बताती हूँ, फिर मैं आपको इसे पेंट करना बताऊँगी। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको फ्लावर बनाना नहीं आता तो मैं सोच रही हूँ उनको भी फ्लावर बनाना बता दूँ। पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले यदि आप इस तरह का गला का डिज़ाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप सेंटर में एक फ्लावर बना लें। बहुत ही ईजी फ्लावर है, बस सर्कल करना है, उसके बाद आप इस तरह से करते जाएं, ठीक है। और ये आपका, और यहाँ से पत्ता इस तरह से आप बनाएं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से फ्लावर और पत्ता निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। फिर आप यहाँ यहाँ कॉर्नर है तो सबसे पहले यहाँ और यहाँ हम फ्लावर बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं। और ये बहुत ईजी फ्लावर है, आप बना सकते हैं। और फिर यहाँ से हमें पत्ता निकाल देंगे, आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ। मैं अभी फ्रेम पे लगा के रखी हूँ क्योंकि मुझे नीचे बनाने में दिक्कत होगी, मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊँगी। आप इसे ज़मीन पे रख के बनाएं। फिर ये दूसरा फ्लावर दूसरी साइड इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक पत्ता हम निकाल देंगे।
बहुत ही इजी डिज़ाइन में आपको बता रही हूँ ताकि आप आराम से बना सकें। ये हो गया, फिर हम इसके बाद का बनाएंगे। यहाँ तक हमारा हो गया तो फिर हम एक और फ्लावर यहाँ पे डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक और पत्ता निकाल देंगे। और यहाँ थोड़ा सा जगह बच रहा है तो हम यहाँ हाफ फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरे साइड यहाँ पे हमने पत्ता बनाया था, फिर फ्लावर बनाएंगे। यदि आप कटे हुए आपके सूट हैं या बने हुए हैं तो आप इस तरह से फ्रेम लगाएंगे। और यदि आप नए सूट में अभी आपने कटिंग नहीं किया है तो आप ये फ्रेम को पूरे कपड़े में फ्लावर बनाएंगे, उसके बाद आप कटिंग करेंगे। यदि आपका कटा हुआ सूट है, बना हुआ सूट है, तो आप उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, आप इस तरह से पत्ते को बना लें और हाफ जगह बचे तो वहाँ पे हाफ फ्लावर बना दें। हो गया, अब ये बीच का जगह जो बच गया वहाँ पे हम फ्लावर सेट करेंगे। एक फ्लावर देख लेंगे, दो फ्लावर हमारा इजी आ जाएगा। तो हम उस तरह से फ्लावर को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आप फ्लावर बना लें। फिर एक दूसरा फ्लावर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और फिर ये हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको तो गला बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो आप टेलर से बनवा सकते हैं और उस पर आप खुद से इस तरह से फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पहले से इसमें कलर फिल कर दिया है ताकि मुझे आपको बताने में इजी होगी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने दूसरे कलर का यूज किया है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सा ज़्यादा कलर अच्छा है। इस तरह से पतले ब्रश से हम इसमें दूसरे कलर से मैच करके हम पत्ता बना सकते हैं। इसको मिक्स पेंटिंग बोलते हैं। आप इसमें अपने पसंद से कलर डाल सकते हैं, मैंने आपको दो कलर बताया है। आप देख सकते हैं अभी मैं आपको फ्लावर बना के दे, अभी मैं आपको वही फ्लावर दूसरे कलर में बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको दो कलर लेना है और करना है। इस तरह से हम करेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि हम दो कलर से करेंगे तो किस तरह से होगा। आप देख सकते हैं ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको ब्राउन और वाइट का था। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये गला का डिज़ाइन और नीचे का बॉर्डर है। आप जब भी बॉर्डर अपना सूट बनाए तो किसी एक कलर का यूज करें, या तो रेड या फिर ब्राउन, जो भी हो। दो दो कलर डालेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये पूरा हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये गला है और ये नीचे का बॉर्डर होगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आप अपने सूट पे इजीली बना सकते हैं। यदि आपको बीच में कुछ फ्लावर बनाने हो तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखी है,
आप देख सकते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं, सेंटर कहीं साइड में भी जैसे आपको मन करे उस तरह से। थैंक यू फ्रेंड्स।